दोस्तों सब्सक्राइब करें टेक्निक फीवर को और दबाएं बेल के आइकन को टेक्नोलॉजी वीडियो हिंदी में सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, टेक्निक फीवर में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ पेटीएम के बारे में। बहुत से लोगों के मुझे मैसेज आ रहे थे, कमेंट आ रहे थे और व्हाट्सएप पर भी लोग पूछ रहे थे कि सर पेटीएम जो है वो 23 तारीख के बाद बंद हो रहा है, यानी कि पेटीएम पेमेंट बैंक बन रही है, तो हमारे पेटीएम अकाउंट्स का क्या होगा, पेटीएम वॉलेट्स का क्या होगा, उनमें जमा पैसों का क्या होगा, अब हम किस तरह से लोगों को पेमेंट कर पाएंगे या लोगों से पेमेंट ले पाएंगे, तो इन सब के बारे में इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। मेरा नाम है अजीत, आप देख रहे हैं टेक्निक फीवर। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों इतना तो आप सबको पता होगा कि RBI ने पेटीएम पेमेंट बैंक को लाइसेंस दे दिया है और ये 23 मई को रिलीज होने वाला है। ऐसे में जो पेटीएम यूज़ करते थे उनको कोई भी घबराने की बात नहीं है, वो अब बिल्कुल पहले की तरह ही अपना पेटीएम यूज़ कर पाएंगे, पेटीएम वॉलेट यूज़ कर पाएंगे। फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि वो पहले पेटीएम का एप्लीकेशन यूज़ करते थे, अब वो एप्लीकेशन का नाम पेटीएम पेमेंट बैंक हो जाएगा। उसकी जो ऑनर पहले 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड थी, अब सिर्फ उसका नाम चेंज होकर पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड हो जाएगा और बाकी सारे फीचर्स सेम रहेंगे। कोई घबराने की दिक्कत नहीं है। अगर आपने पहले से KYC करा रखी थी अपने अकाउंट की, तो आपको बड़ी हुई लिमिट मिल जाएंगी, सेम जो आपकी लिमिट्स पहले हुआ करती थी, और अगर आप नहीं करा रखी है तो आपको कम लिमिट मिलेंगी और जो कि सेम होती थी। बाद में अगर इसमें कुछ इंप्रूवमेंट होता है तो आपको अकाउंट नंबर दे दिए जाएंगे, और अगर आप इसमें नहीं जाना चाहते तो आपको 15 दिन के अंदर उनको बताना होगा कि आप पेटीएम पेमेंट बैंक के अंदर नहीं जाना चाहते, आपका अकाउंट वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट ना करें। अगर आपका अकाउंट 6 महीने से पहले से बंद पड़ा हुआ है, आपने उसमें कोई भी मनी नहीं रखा हुआ है, तो आपका अकाउंट ऑटोमेटिकली पेटीएम पेमेंट बैंक हो जाएगा और आपका सारा पैसा पेटीएम पेमेंट बैंक में सुरक्षित रखा जाएगा, तो आपके पैसे का कोई नुकसान पहुंचने वाला नहीं है। आप अगर जब चाहें अपना पैसा किसी भी बैंक में विदड्रॉ कर सकते हैं, अगर आपने पेटीएम में पैसा रखा हुआ है तो आपको ट्रांसफर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पेटीएम पेमेंट बैंक बेहतर होगा, पेटीएम में आप ट्रांजैक्शन कर पाएंगे, बैंक की तरह आपको एक अकाउंट नंबर मिल सकता है और आपको IFSC कोड की सुविधा भी इसमें दी जा सकती है, तो एकदम एक जैसा बैंक जैसा ही होगा जैसे आपको एक बैंक अकाउंट हो सकता है। मैं तो आशा करता हूँ कि अगर आपको इसमें एक ATM कार्ड या डेबिट कार्ड भी मिल जाए तो कितना बेहतर रहेगा, आप कहीं भी जमा करें कैसे भी निकालें, आपको एकदम बैंक की तरह सारे फीचर्स को इस्तेमाल कर पाएंगे। दोस्तों अब भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं और मुझे साथ में ये भी बताएं कि आपको पेटीएम पेमेंट बैंक बनने से अच्छा फील हो रहा है या फिर आपको लग रहा है कि आपको कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है, ताकि मैं भी आपके कमेंट पढ़ के और जान सकूं और आपको अच्छे से रिप्लाई कर सकूं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे पेटीएम वर्क करेगा 23 तारीख के बाद में, या फिर आप कैसे पेटीएम का इस्तेमाल कर सकते हैं 23 तारीख के बाद में। अगर आपको ये समझ में आ गया और आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारा वीडियो लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। इसी के साथ मिलता हूँ मैं आने वाले अपने किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, गुड बाय, थैंक यू।